धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान देश के आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 75 किलोमीटर की लंबी अमृत महोत्सव गौरव यात्रा कार्यक्रम की तृतीय दिन धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसजनों झरिया चिल्ड्रेन पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर अमृत महोत्सव गौरव यात्रा का शुभारंभ किया और झरिया से कतरास मोड़ भगटी बस्ता कोला खेसार मनीटाण होते हुए सैकड़ों कांग्रेस जन पद यात्रा करते हुए गांधी सेवा सदन पहुंचे, जहां महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश के आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक पहल है। वही कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने बताया कि 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक भारत जोड़ो अभियान के तहत गौरव यात्रा निकाला गया, जिसका शुभारंभ 9 अगस्त को बरवा अड्डा जीटी रोड से हम लोगों ने किया था। आज गौरव यात्रा का तीसरा दिन है और ये यात्रा किस लिए निकला और किस लिए निकाला गया? आज जो देश की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा भी है और तिरंगा से 1947 से हम लोग प्यार करते हैं, जब से देश आज़ादी हुई है तब से हमारा तिरंगा है। लेकिन आज कुछ पार्टियां तिरंगा को ही भंजाने में लगे हैं कि तिरंगा हमारा है। ये तिरंगा किसी का नहीं है, देश का तिरंगा है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की तिरंगा है। और बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान चला रखा है और उसी के तहत ये गौरव यात्रा है। जिस तरह से आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, रुपये का गिरता हुआ मूल्य और समूचा हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि देश को कांग्रेस पार्टी हमेशा एकता और अखंडता की सूत्र में हमेशा बांध रखा है और आगे भी अखंड भारत रहेगा। कोई तोड़ने का प्रयास करेगा वो खुद टूट जाएगा और इसीलिए हम लोग अभी आज तीसरा दिन यहाँ समापन कर रहे हैं गांधी जी के प्रतिमा के पास और कल 3 दिन अभी है, परसों हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय श्री अविनाश पांडे जी का आगमन हो रहा है और वो भी आप लोगों को सूचना दे रहे हैं कि परसों बैंक मोड़ से 8 बजे पद यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें हमारे प्रभारी महोदय भी श्री अविनाश पांडे जी भी भाग लेंगे और आपको भी हम अपनी तरफ से कल क्या होगा सर? कल रक्षाबंधन है, लेकिन उसके बावजूद कल हम लोग रक्षाबंधन अपने अपने घर में मनाएंगे और मनाने के बाद 2 बजे से सुभाष चौक नया बाजार से हम लोग वासेपुर के। सर वो कौन पार्टियां जो तिरंगा को भंजा रही है? ये आप लोग खुद जानते हैं, हम लोग उसे ज़्यादा जानते हैं जो तिरंगा बांट रहा है। अरे तिरंगा अपने से लोग खरीदता है, तिरंगा देश की जनता 1947 से खरीद रहा है, अपने घर में लगा रहा है। आज आप बोल रहे हैं कि घर में तिरंगा लगाओ और 3 दिन फहराओ। तिरंगा ऐसा चीज़ है कि इसको हमेशा फहराना है और हिंदुस्तान को, भारत को एकदम ऊंचा रखना है। तिरंगा यात्रा जो निकाला गया झरिया से, क्या उद्देश्य? गौरव यात्रा का मूल उद्देश्य है हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया। आज अमृत महोत्सव 75 वर्ष हो गए हैं, अमृत महोत्सव देश मना रहा है अपने आज़ादी का। ऐसे वक्त में हम लोग उनको, कांग्रेस परिवार उनको श्रद्धांजलि दे रहा है ये गौरव यात्रा के माध्यम से। पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र, हर जिले में 75 किलोमीटर की दूरी तय करना है। आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा देश कांग्रेस परिवार कवर करेगा और इसके अलावे भारत जोड़ो भी है, जो वर्तमान शासक है पूरे देश को तितर बितर कर दिया है, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांट दिया है। हम लोगों का काम है उनको वापस जोड़ना। कांग्रेस इतने दिनों तक जब तक सत्ता में थी तब तक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ करके एक करके रखी थी, अभी उसी
हारमोनी को, उसी पीस को, उसी शांति को वापस लाना है कांग्रेस का मूलतः वो लक्ष्य है। उसके अलावे महंगाई, जो आज महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, खाने के सारे चीज़ों पर GST लगा हुआ है, आटा पे, लस्सी पे, दूध पे, हर चीज़ पे GST लगा है। ये GST की सरकार कमी करे, खाने पीने के चीज़ों पर GST नहीं होनी चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर चले गए हैं, सरसों तेल के दाम 200 के ऊपर चले गए, तो महंगाई को कम करो, ये भी हमारा प्रयास है। और इसी गौरव यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो, भारत के लोग कैसे आपसी भाईचारा को कायम करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य। क्या लग रहा सर, ये कितना सफल होगा ये कार्यक्रम भारत जोड़ो आंदोलन जो? 100% सफल होगा ये, जनता के बीच में अस्पष्ट संदेश जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को लोगों ने इतने वर्षों तक देखा है शासन में, और कांग्रेस के शासन में महंगाई पे भी अंकुश था। जब डॉलर 100 क्रूड की कीमत 135 रुपये 135 डॉलर था पर बैलर, उस वक्त भी हमारे यहाँ 60-70 रुपये डीजल पेट्रोल हुआ करता था। आज जबकि क्रूड की कीमत 90-95 है और डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपया है, कभी कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगाया दही पे, लस्सी पे, छाछ पे, दूध पे, इन लोगों ने उस पर भी लगाया। तो कांग्रेस को लोगों ने देखा है, परखा है, आज सिर्फ लोगों को जगाने की ज़रूरत है, जो गौरव यात्रा के माध्यम से कांग्रेस परिवार कर रहा है।